हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि क्लास 7, 10 और 11 तीनों क्लासेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइफ प्रोसेसेस जो है उसको हम चार पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। ये वो प्रोसेस है जिसमें जब फूड के साथ ऑक्सीजन जाके कंबाइन करेगी तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हम अपनी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए उस एनर्जी को यूज करते हैं। क्लियर हो गया? रेस्पिरेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जब ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन करेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, ये दो स्टेप्स में होती है। कौन से दो स्टेप्स? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? क्या होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग वे से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिशेज और टैडपोल्स हैं, उनके पास गिल्स होते हैं। उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? गिल्स होते हैं। ह्यूमंस के पास लंग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के पास स्पिरेकल्स होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। क्या होता है इंटरनल रेस्पिरेशन? इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूटेगा। जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती है। किस किस में? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर और एनर्जी। इस तरह से एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, इसे हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन बोल देते हैं। हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन टर्म्स का भी पता होना चाहिए। इनहेलेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोल देंगे? इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन किसे बोलेंगे? गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? एक्सेलेशन बोल देते हैं। अब रेस्पिरेशन रेट क्या होता है? रेस्पिरेशन रेट का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ टाइम्स वी ब्रीथ इन एंड आउट। कितने बार हम एक मिनट में हम कितनी बार ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, उसे हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन रेट, मतलब नंबर ऑफ टाइम वी ब्रीद इन एंड आउट इन अ मिनट। एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन रेट बोल देते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमें क्लियर होना चाहिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने। किसमें? इस एक तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? नोज। नोज को हम नोस्ट्रिल भी बोल देते हैं। नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ये जो चार पार्ट्स है वो किसमें आ जाते हैं? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट आ जाते हैं? ये ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स और ये सैक लाइक एल्वोलाई, ये किसके पार्ट्स आ जाते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट आ जाते हैं।
ये मैंने शो किया है डायफ्राम, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। तो अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। ये पार्ट्स बता दिया मैंने। सबसे पहले ऑक्सीजन, ये तो हम सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से एंटर करती है? ऑक्सीजन एंटर करेगी नोज से, नोज से एंटर करती है, और हमारे नोज में म्यूकस और हेयर प्रेजेंट होते हैं। उनका क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है म्यूकस और नोज में जो हेयर प्रेजेंट है उनका। ये जब भी कोई डस्ट पार्टिकल, जब हम सांस लेते हैं तो जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे म्यूकस और जो हमारे नोज में हेयर्स होते हैं। तो ऑक्सीजन नोज से कहाँ गई? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से वो कहाँ जाती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होती है? स्मॉल ट्यूब, जिसे कि हम क्या बोल देते हैं? फेरिंग्स बोल देते हैं। तो वहां से नेजल कैविटी से ऑक्सीजन कहाँ एंटर करेगी? फेरिंग्स में। इसके बाद ये क्या पड़ा हुआ है? लैरिंग्स। क्या पड़ा हुआ है? लैरिंग्स। ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है? लैरिंग्स की, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? वॉइस बॉक्स, क्योंकि ये स्पीच में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है। जो हमारी आवाज है वो कहाँ से आती है? यहाँ से, लैरिंग्स से आती है। ओके, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ एंटर करेगी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में एंटर करती है, जो कि आगे जाके कुछ छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइडेड है, जो कि लंग्स में एंटर करती है। ये जो बलून लाइक दिखाया हुआ है मैंने, ये क्या है? लंग्स है। और ये क्या है? ब्रोंकियाई। इसके बाद ट्रैकिया में जाने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्रोंकियाई में। ब्रोंकियाई फर्दर जो है वो स्मॉल ट्यूब्स में डिवाइडेड है। ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रोंकियाई जो है छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइडेड है। ब्रोंकियाई से वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्रोंकियोल्स में चली जाएगी। ब्रोंकियोल से वो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने रेड कलर से ये जो गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर शो किए हैं यहाँ पे, एल्वोलाई बोलेंगे, जो कि मिलियंस में एल्वोलाई पड़े होते हैं। तो वहां से ऑक्सीजन एल्वोलाई में एंटर करेगी। अब आप कहोगे कि एल्वोलाई तक तो चली गई ऑक्सीजन, हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वहां तक कैसे पहुंचती है ऑक्सीजन? तो एल्वोलाई के ऊपर, एल्वोलाई के ऊपर क्या पड़े होती है? कैपिलरीज पड़ी होती है। तो वहां से ऑक्सीजन कैपिलरीज में एंटर कर जाएगी, और उन कैपिलरीज से वो जो ऑक्सीजन है हमारे हार्ट में एंटर कर जाती है। हार्ट से वो सारे ऑर्गन्स तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है हमारे ब्लड में? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये ऑक्सीजन को बाकी सारे सेल्स तक लेके जाता है। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पड़ी हुई है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाती है। ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन करके क्या बना देगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी तरह से ये सारे के सारे ब्लड के सारे बॉडी के जो सेल्स है वहां तक जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर इसी तरह से आएगी। पहले कैपिलरीज है, कैपिलरीज से कहाँ एंटर करेगी? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से एंटर करेगी ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नोज के थ्रू ये बाहर आती है। एक बार फिर से बताती हूँ, ऑक्सीजन जो है वो नोज के थ्रू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से कैपिलरीज, और वहां से वो सारे सेल्स बॉडी के सेल्स तक जाती है। ओके, और जो ये लंग्स है, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, लंग्स, ठीक है। तो ये लंग्स जो है वो किससे कवर्ड हुए हैं? रिब्स से। रिब्स से ये कवरिंग हुई है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। जो ये लंग्स है, लंग्स और हार्ट दोनों की प्रोटेक्शन रिब्स, इसके आगे वाले रिब्स पड़े हुए हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और आप देख रहे होंगे ये लंग्स जो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम होता है? डायफ्राम जो है हमारी चेस्ट, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एब्डोमिन से सेपरेट करता है।
डायफ्राम जो है इसका क्या काम होता है, जो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एब्डोमेन से सेपरेट करता है। एक और रिब्स जो है, रिब्स के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उन इंटरकोस्टल मसल्स का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। क्या करते हैं इंटरकोस्टल मसल्स? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे। इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस चैप्टर की जो इस जो वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हमारी रेस्पिरेशन होती है, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।